Each and you all get only one performance. Let's make it a good one. So, hello, guys. A very warm welcome to your most loving channel, Bay of Bio. And I'm Sanakumada standing in front of you to teach you to give you some knowledge about biological classification. So, today we are going to study the lecture four. Okay, this is the part four of biological classification in which we are going to study about. थीम ऑफ दिस चैप्टर ओके आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे सिर्फ किंगडम के ऊपर तो भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस लेक्चर में मैं ये सारा का सारा बताकर ही जाऊँगा। ये फर्स्ट हम लोग इसे कवर करेंगे कि इसमें एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है अगर पढ़ना है तो क्या पढ़ना है अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई ये तो कुछ कुछ लिखा हुआ ये ये दोनों जगह क्यों खाली पड़े हुए हैं या इट्स ट्रू ये जगह अभी ब्लैंक है क्लासिफिकेशन में क्योंकि तुम्हें आगे जाकर मतलब प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम अलग से दो चैप्टर दिए गए हैं द लिविंग वर्ल्ड के जो कि है तुम्हारे एन के मुताबिक वो है चैप्टर थ्री एंड चैप्टर फोर ओके प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम सो टूडे वी आर गोइंग टू जस्ट लर्न अबाउट किंगडम मोनेरा आज मैं बात करूंगा जनरली एक्चुअली एक ट्रेजिडी हो गया था सो so, इट्स समाउ okay. so, इ के ऊपर बात करूंगा ओके okay. बट याद रखना ठीक मतलब है करवाना है ठीक है सो आज हम लोग सिर्फ जनरल फिजियोलॉजी जो है मोनेरा के उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड ये सारा का सारा तुम्हें दिखा देता हूँ ठीक है एक बार सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट स्टार्ट ओके देखो so, पहले तो तुम्हारा बात करूंगा कि जब हम लोगों ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था आर एचा करके तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन मैंने दिया है इसके जो पहला वाला लेक्चर है आई बटन पे क्लिक करो मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया भी गया है जाओ उस सब पहले वीडियो को चेक करो जो कि लेक्चर थ्री है ओके दैट वाज लेक्चर थ्री एंड फाइव एंड सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन बे ऑफ बायो अगर तुम लोग सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा जाके पहले उस वीडियो को चेकआउट करो जो कि मैंने पीपीटी में ही बनाया था बट दैट वॉज अ वेरी वंडरफुल वीडियो फॉर यू ओके सो तुम्हारा अगर कोई भी डाउट है ना कि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों आया और फाइव किंगडम किंगडम क्लासिफिकेशन एंड सिक्स क्लासिफिकेशन के बीच में डिफरेंस क्या है क्यों इसका इवॉल्व हुआ तो जाकर वो वीडियो पहले चेकआउट कर लो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि यूट्यूब गो एंड देखो यहाँ पर जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ने वीटा करने दिए थे तो उसमें क्या था एक तो मोनेरा किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम फंजाई प्लांटी एंड एनिविलिया सो so, प्रोटिस्ट मोनेरा जो था मोनेरा में कौन कौन थे अब ये मुझे बताओ सारे के सारे प्रोकैरियोट्स मोनेरा में डाले गए थे, <coughs> <सारी>. <coughs> तो में जो थे उनको पहले दो हिस्सों में किया गया। क्या -क्या था? पहला तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में दो किंगडम में डाला गया है एक हो गया है किंगडम आर्की एंड अनदर वन इज किंगडम बैक्टीरिया सिर्फ किंगडम बैक्टीरिया रखा गया है जो कि ये किंगडम हो गया ये किंगडम हो गया और बाकी के चार किंगडम हो गए कितना हुआ सिक्स किंगडम सो दैट वॉज सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन ओके और कुछ भी नहीं था वीडियो चेकआउट कर लो तुम तो लोगों को सब कुछ मालूम चल जाएगा ओके सो मोनेरा के अंडर में क्या आता है एक तो हो गया आर्की बैक्टीरिया भाई आर्की बैक्टीरिया क्या है ये एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं ठीक है एक्सट्रीम कंडीशन में एंड यू बैक्टीरिया इज ट्रू बैक्टीरिया

बैक्टीरिया भी आते हैं यू बैक्टीरिया के अंडर में और फिर बाद में जब हम प्रोटिस्टा पर जाते हैं यहाँ से शुरू हो गया तुम्हारा यूकैरियोट्स यूकैरियोट्स की की पारी की पारी ठीक है से शुरू हो गया बाकी के सारे के सारे यूकैरियोट्स ओके एंड प्रोटिस्टा में क्या हुआ तुम्हारा आ गया एंड डाइनोफ्लाजिलाजॉन्स भाई प्रोटोजोन्स भी फर्दर डिवाइडेड हैं ठीक है एम स्टिलेटेड प्रोटोजोन्स एंड स्पोरोजोन्स ऐसे ही ठीक है फोर पार्ट्स में डिवाइडेड है प्रोटोजोआंस, आगे में पढ़ाऊंगा ठीक है एंड फंजाई जो है फंजाई फोर पार्ट्स में डिवाइड हुआ है फर्दर में एक तो हो गया तुम्हारा फाइकोमाइसिट्स आफकोमाइसिट्स बेसिडियोमाइसिट्स एंड ड्यूटेरोमाइसिट्स दिस इज द फंडा अबाउट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एंड किंगडम प्लांटी

it is over i guess so we have to go with kingdom monera so guys kingdom monera ke upar jab hum log generally baat karenge to kingdom monera mein hum log payenge ki actually kingdom monera mein hote kya hai kingdom monera mein bacteria hi hote hain because bacteria are the sole member of kingdom monera okay This is written here. ये सारे के सारे statements NCERT सी आर टी में दिए गए हैं मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट बनाने के चक्कर में इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है अगर चाहो तो इसका स्क्रीन शॉट ले लो इट्स अ वेरी गुड शॉर्ट नोट तुम्हें रिजन करने में बहुत हेल्प करेगा ओके स्क्रीन शॉट ले लो पहले पॉज करके हो गया हो गया यस लेट्स मूव बैक्टीरिया आर इट्स पेनिंग एक्चुअली बैक्टीरिया द सोल मेंबर्स सॉरी फॉर दिस बैड हैंडराइटिंग एक्चुअली हाथ बहुत जोर से पेन कर रहा है इसीलिए इतना अच्छा हैंडराइटिंग नहीं आया है माफ कर देना अभी दो तीन दिन तक बस ऐसे ही चलेगा उसके बाद में ठीक हो जाएगा शायद मुझे पता नहीं देखते हैं क्या होता है बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स एंड मोस्ट एबोंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्योंकि ये तो तुम लोग जानते होगे कि मोस्ट एबोंडेंट का मतलब क्या होता है मतलब हर जगह ये बैक्टीरिया मिल जाएंगे तुम्हें तुम इस गोले के जिस भी कोने में जाओ तुम्हें बैक्टीरिया मिलेंगे ही मिलेंगे ओके सो दे आर मोस्ट एबंट माइक्रो ऑर्गेनिजमोर्गेनिज्म कुछ याद आ रहे हैं जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज अगर अभी तक तुम लोगों ने नहीं देखे हो तो आई बटन पर क्लिक करो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर लो ठीक है जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उसमें यही तो गलती हुआ था किसके द्वारा अब ये तुम लोग याद करो मैं सारे के सारी चीज याद नहीं करूंगा ठीक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किन साइंटिस्ट uh, ने इसको मतलब पूरा ठुकरा दिया था इसको मतलब नज़रअंदाज किया गया था किस साइंटिस्ट ने ऐसा किया था अब ये याद करो या फिर नोट्स पलटो अपना मुझे पता है तुम कुछ पलटते नहीं हो इसीलिए तुम लोगों को याद नहीं रहता है ठीक है बायोलॉजी में रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके इसीलिए कोर्स खत्म करने के बाद हम लोग रिवीजन कोर्स भी लॉन्च करेंगे मैं ठीक है

Uh, जब सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ आर्की को अलग से रखा गया एक, uh, मतलब अलग, अलग एक uh, मतलब तो क्यों किया गया वही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है क्योंकि किंगडम मोनेरा में जितने भी बैक्टीरिया थे उनमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो कि एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी सर्वाइव कर लेते थे तो उन्हीं बैक्टीरिया को आर्की बैक्टीरिया के ग्रुप में डालकर उन लोगों को बोला गया किंगडम सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में बट हियर वी हैव टू स्टडी दैट दे आर कंडीशनिंग किंगडम मोनेरा ओके सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स जो भी एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं बैक्टीरिया उन लोगों को हम लोग किंग आर् बैक्टीरिया के रूप में नामकरण करते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में बट सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में पूरी तरह से अलग है taken and a bacterial structure is very simple. This is the most important thing, and it can be questioned as an important question and need. Okay, structure is very simple, but behavior is very complex. It's true. Kesai true his statement? Bad me samjanga. Don't worry about it. Bacteria shows most extensive metabolic diversity. It's true also. मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ये शो करते हैं एंड सम ऑफ देम बैक्टीरिया ओके सम ऑफ देम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक भाई जब ऑटोट्रॉफिक की बात आता है मतलब शोभोजी जो अपने खाना खुद बना सकते हैं तो भाई शोभोजी के बाद जब आता है तो शोभोजी मतलब ऑटोट्रॉफिक कैसे होते हैं पहले मुझे ये बताओ तुम लोगों ने टेंथ में ये बात पढ़ी होगी कि ऑटोट्रॉफिक इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एक तो करते हैं फोटोसिंथेसिस और एक करते हैं केमोसिंथेसिस ठीक है मेरा तो भाई पढ़ाया गया था मुझे याद है तुम लोगों को याद है कि नहीं मुझे नहीं पता भाई ऑटोट्रॉफिक जो होता है फोटोसिंथेसिस कुछ करते हैं और कुछ केमोसिंथेसिस के द्वारा करते हैं ठीक है तो जो केमोसिंथेसिस के द्वारा ऑटोट्रॉफिक है मतलब उनको हम लोग बोलेंगे केमोसिंथेटिक सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उन लोगों को बोला जाएगा फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया And in uh, last, vast majority are heterotrophic. Okay, vast majority are heterotrophic and some of the bacteria are autotrophic, who is divided into two parts. One is photosynthetic autotrophic and chemosynthetic autotrophic. Okay, this is the most important point. Okay. Uh, yeah. Here I have to write. Oh, it's paining. Ah. Chalega. Okay. Onko... I guess. Yeah. ये खत्म हो गया अब चलो थोड़ा सा देख लेते हैं एनसीईआरटी के बेस में कि भाई जो दिया गया है हमारा क्या शेप के आधार पर बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन तो चलो देखते हैं सो गाइस जब हम लोग बात करेंगे कि शेप के आधार पर बैक्टीरिया को कैसे डिवाइड किया गया था तो शेप के आधार पर आज पर एनसीईआरटी हम लोगों ने चार हिस्सों में डिवाइड किया है बैक्टीरिया को तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं स्फेरिकल शेप के जिनको हम लोग बोलते हैं कोकस एंड द प्लूरल ऑफ कोकस इज कोसी ओके एंड इन शेप्ड जो कि रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं जो स्फेरिकल होते हैं स्फेरिकल का मतलब ऐसे गोल गोल बैक्टीरिया होते हैं रॉड शेप्ड मतलब ऐसे होते हैं बिल्कुल एक मिनट सॉरी ऐसे होते हैं रॉड शेप्ड ओके एक्चुअली हैंड बहुत पेन कर रहा है सो so, Hard to take this lecture. Okay. चलो भाई उनको क्या बोलते हैं हम लोग बेसिली एंड कुछ होते हैं spiral. Spiral का मतलब कुछ ऐसे ऐसे होंगे एक मिनट मुझसे स्पाइरल हुआ नहीं जा रहा है भाई ड्रॉइंग तो मेरा ठीक से होता था अब क्या हो गया ठीक है कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो स्पाइरल होते हैं तो उन्हीं को बोला जाता है स्पिरिलियम एंड द प्लूरल ऑफ दिस इज स्पिरिला ओके एंड फाइनली जो कॉमा शिफ्ट होते हैं कुछ बैक्टीरियाज होते हैं ऐसे होते हैं बिल्कुल कॉमा के तरह ठीक है ये से कॉमा शिफ्ट बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं वेब एंड द प्लूरल ऑफ दिस इज विब्रियो सब के सब स्टेटमेंट एनसीआर में दिए गए हैं सो डोंट वरी अबाउट इट अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो कोई बात नहीं अगर तुम लोग सोच रहे हो कि यहां पर एक्स्ट्रा चीजें क्यों नहीं आई तो कोई बात नहीं एक्स्ट्रा चीजें मैं लेकर आऊंगा ठीक है आई एम हियर फॉर योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी ओनली ओके सो इतना इंजुअरी की बात भी वीडियो बना रहा हूं ओके okay? uh, हंस तो रहा हूं बट इट्स टू मच पेनिंग ओके डोंट वरी अबाउट एंड आज के लेक्चर में इतना ही था ओके okay? एंड इसमें अगर तुम्हें कुछ भी डाउट्स होंगे तो कमेंट सेशन में जरूर मेंशन कर देना उस डाउट का मैं यहीं पे अगले वीडियो में मैं जरूर उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, अ वेरी गुड डे वेरी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड